देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के जो सहपाठी है उनके लिए जोनाथन स्विफ्ट की द बैटल ऑफ बुक्स का ट्रांसलेशन मैं बता रहा हूँ। पहले देखते हैं समरी। समरी में इसका एक्सप्लेनेशन है, ये बैटल मॉडर्न राइटर और एंशियंट राइटर के बीच में है, एक सेटायर है। इसमें एलिग्रिकल यानी बी एन स्पाइडर के माध्यम से इस बैटल को बताया गया है, जो बुक्स के मध्य एक जेम्स लाइब्रेरी है वहाँ पर होता है। इसके माध्यम से मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। द स्विफ्ट गिव्स द ओरिजिन ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द टू पार्टीज ऑफ बुक्स इन द वेरी बिगिनिंग इन एलिग्रिकल टर्म्स। एलिग्रिकल का अगर क्वेश्चन भी आएगा जो आ चुका है, एलिग्रिकल है, तो आप इसका दे सकते हो। स्विफ्ट इसमें एक डिस्प्यूट यानी विरोध, दो पार्टियों के विरोध, जो बुक्स की दो पार्टियों के विरोध में एलिग्रिकल टर्म्स में इसको बताता है। ही रिगार्ड द एंशियंट ऑथर्स, वह एंशियंट ऑथर को मानता है, एंड द मॉडर्न राइटर एज द ऑक्यूपेंट ऑफ द टू समिट ऑफ ए माउंटेन कॉल पेरानसस। पेरानस यानी द समिट, पेरानस होती है पोएम, पोएम की जो माउंटेन है, जो सर्वोच्च शिखर है, समिट यानी सर्वोच्च शिखर। जो जोनाथन स्विफ्ट है वो एंशियंट ऑथर को सर्वोपरि मानता है, एंड द मॉडर्न राइटर्स एज द ऑक्यूपेंट द टू समिट ऑफ, जो एंशियंट ऑथर है और मॉडर्न ऑथर है, वे जो माउंटेन है, जो पोएम की माउंटेन, उस पर अधिकार करना चाहते हैं। विच वॉज सेक्रेट टू अपोलो एंड द म्यूजेस। अपोलो इन देवी, म्यूजिन देवी, जो संगीत की देवी है, पोएम की देवी देवता है, तो उनके द्वारा पवित्र किया गया है। जो माउंटेन है पेरानसस का, उसको पवित्र किया गया है, तो इस पर अधिकार करना चाहते हैं मॉडर्न राइटर एंशियंट राइटर। द समिट ऑक्यूपाइड बाय द एंशियंट, ये जो सर्च शिखर, ये एंशियंट राइटर के द्वारा ऑक्यूपाइड यानी अधिकार किया गया है। बींग हायर देन द वन ऑक्यूपाइड बाय द मॉडर्न, जो कि हायर देन है, उससे उच्चतर है, मतलब उससे ज़्यादा ऊँचा है। देन द मॉडर्न राइटर, जो मॉडर्न राइटर से भी ऊँचे हैं, जो एंशियंट राइटर का जो शिखर है, जो पोएम का, वो ऊँचा है। ए फीलिंग ऑफ जेलिसी लीड द मॉडर्न टू चैलेंज द राइट ऑफ द एंशियंट टू ऑक्यूपाई द हायर समिट। ये जेलिसी यानी ईर्ष्या की भावना कहाँ ले जाती है मॉडर्न राइटर को ले जाती है, टू चैलेंज द राइटर, जो उनको चुनौती देती है एंशियंट के अधिकारों को, टू ऑक्यूपाई द हायर समिट, जो हायर समिट को प्राप्त करने के लिए एक जेलिस की भावना मॉडर्न राइटर में कर जाती है और वो चुनौती देती है एंशियंट राइटर को, जो एंशियंट राइटर है। द क्यूरल बिटवीन द ऑक्यूपेंट ऑफ द टू समिट, ये जो ऑक्यूपेंट का अधिकार है दो शिखर पर, टू समिट पर, ये बढ़ता जाता है। से स्विफ्ट, इसके बारे में स्विफ्ट कहते हैं, देन स्प्रेड द बुक्स, और वो बुक्स पे जाता है, लाइंग ऑन द सेल्वेज ऑफ सेंट जेम्स लाइब्रेरी। सेल्वेज यानी अलमारियों में, जो सेंट जेम्स की लाइब्रेरी की जो अलमारी है वहाँ पर जो बुक्स पड़ी है, वहाँ पर ही दोनों का लड़ाई वहाँ पर चली जाती है, तो उसके माध्यम से स्विफ्ट वहाँ पर उनको माध्यम से बताता है। बिफोर डिस्क्राइब द एक्चुअल बैटल फोर्ट बाय द बुक्स, इसको वर्णन करने से पहले एक्चुअल बैटल होता है वो बुक्स के मध्य होता है, वास्तविक रूप से बुक्स के मध्य होता है। स्विफ्ट टेक द अपॉर्चुनिटी टू अटैक रिचर्ड बेंटले, इस पर स्विफ्ट क्या करता है, अवसर लेता है टू अटैक करने के लिए रिचर्ड बेंटले पर, वो अटैक करता है। हु वॉज द कीपर ऑफ द अपोरसेड लाइब्रेरी, जो ऊपर की गई लाइब्रेरी है, सेंट जेम्स लाइब्रेरी का रखवाला है। एंड ए चैम्पियन ऑफ द एंशियंट एंड स्विफ्ट सेटराइज बेंटेल, जो चैम्पियन है ऑफ द एंशियंट, यहाँ पर मॉडर्न है, चैम्पियन नहीं है बेंटले, जिचा जो बेंटले है वो मॉडर्न राइटर का चैम्पियन है, यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मॉडर्न राइटर का चैम्पियन है रिचर्ड बेंटले। स्विफ्ट सेटराइज बेंटले फॉर इज डिस्कर्सी यानी उस पर सेटराइज करता है बेंटले पर, उसके असिस्टा पर, टू आर दोज वो वांटेड टू बोरो बुक्स, जो उसका एक तरह से रिचर्ड बेंटले पर असिस्टा, क्योंकि वह जो किताबें खरीद के लाता है, किताबें खरीदना चाहता है, और मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो हस्तलिपिक है दूसरों की लाइब्रेरी में, उसको लेना चाहता है। एंड फॉर हिज अनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, और उसकी अयोग्यता है सही तरीके से सोचने की,
सही तरीके पर सोच भी नहीं पाता है और दूसरे से किताबें और हस्तलिखित मांग करता है। और टू कीप द लाइब्रेरी बुक्स इन प्रॉपर ऑर्डर, और वो लाइब्रेरी को जो बुक्स है उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में रखता है। तो इस तरह उसकी जो टैलेंट है वो दूसरे से मांग के द्वारा लिया गया है। तो उस पर सेटायर करता है कौन, जिफ्ट रिचर्ड बेंटले पर सेटायर करता है। अब आगे चलते हैं। शिफ्ट देन टर्न्स टू द बुक देमसेल्व्स एंड द डिस्प्यूट विच वॉज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम। शिफ्ट मुड़ता है उन बुक्स पर, अपने आप ही उन बुक को की तरफ ले जाता है, उनके बीच में गतिरोध होता है। विच वॉज टेकिंग प्लेस बिटवीन देम, उनके बीच में गतिरोध होता है, उनकी तरफ ले जाता है। वन ऑफ द एंशियंट, एक तरफ तो एंशियंट होते हैं। शिफ्ट कहता है एस ट्राई टू सेटल द मैटर बाई आर्बिट्रेशन, जो मध्यस्थ के द्वारा इस मध्यस्थता की गई, इस सेटल के द्वारा जो इनके बीच युद्ध हो रहा था, आर्बिट्रेशन ही मध्यस्थता की गई। बट एज फेल्ड इन हिज एफर्ट टू एसुएज द टेम्पर्स, लेकिन ये फेल हो गई उनके जो टेम्पर है ना, इन गुस्से को शांत करने के लिए ये फेल हो गई। दिस एंशियंट ऑथर हैड पॉइंटेड आउट दे द राइटर बिलोंगिंग टू हिज साइट वर रियली वाइजर देन दोज ऑफ द मॉडर्न टाइम्स। एंशियंट ऑथर है पॉइंट करते हैं कि जो राइटर है उनसे संबंधित उनकी साइड की तरफ, वर बहुत ही बुद्धिमान है, उन मॉडर्न लेखकों के मॉडर्न टाइम से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। एंड दे वर इंटाइटल टू ग्रेटर रेस्पेक्ट, और वह महान सम्मान के योग्य है। बिकॉज ऑफ देयर एंटिक्विटी, और वे अपनी प्राचीनता, क्योंकि वे अपनी प्राचीनता रखते हैं एंटिक्विटी। बट द मॉडर्न डिड नॉट एक्सेप्ट दिस आर्गुमेंट, लेकिन मॉडर्न इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं। एंड वेंट सो फार एज टू क्लेम, और वो इस पर क्लेम भी करते हैं जहाँ तक, दैट ऑफ द टू पार्टीज द मॉडर्न वर द मोर एंशियंट, और इस क्लेम करते हैं कि दो पार्टियों जो में द मॉडर्न वर मोर एंशियंट, कि मॉडर्न सबसे ज़्यादा एंशियंट है। इस पर वह ऐसे क्लेम करते हैं दो पार्टियों के बीच में मॉडर्न ज़्यादा एंशियंट है। फिर अपन चलते हैं फोर्थ पैराग्राफ में। शिफ्ट देन प्रोसीड टू डिस्क्राइब इम्पोर्टेंट इवेंट, फिर शिफ्ट जोनाथन शिफ्ट एक इम्पोर्टेंट डिस्क्राइब यानी एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है, आगे बढ़ाने का प्रोसेस आगे बढ़ाता है। विच अकर्ड एट जंक्चर, जो उनका एक निवास जंक्शन निवास स्थान पर गठित होती है। ए बी ए फाइंडिंग ए होल इन ए ब्रोकन विंडो पेन ऑफ द लाइब्रेरी, एक मधुमक्खी जो एक होल होता है उसके ब्रोकन विंडो, जो खिड़की में टूटा हुआ छेद होता है विंडो पेन ऑफ द लाइब्रेरी, उसको एक होल मिलता है मधुमक्खी को। कैम इनसाइड, वो अंदर आती है। लैंडेड अपॉन ए स्पाइडर कोवेब, और अपना स्पाइडर कोवेब यानी अपना मकड़जाला वह बना लेती है। तो इस पर एक मधुमक्खी, मतलब मधुमक्खी की तुलना किसी की है, जो मॉडर्न राइटर है, और एक मॉडर्न वर्ड एक मधुमक्खी आती है उस लाइब्रेरी में एंटर करती है और लैंडेड अपॉन ए स्पाइडर कोबे, उस स्पाइडर कोबे पर अपना आधिपत्य कर लेती है। दिस इन्वेजन बाय द बी, ये आक्रमण मधुमक्खी द्वारा, लेड टू द डिस्प्यूट बिटवीन द टू, और ये आक्रमण मधुमक्खी द्वारा किया गया था, इस पर विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है दोनों के बीच में, द स्पाइडर और इन द बी के बीच में। द स्पाइडर स्पोक टू द बी इन चैम्पियंस, यहाँ स्पाइडर किसके बारे में, मॉडर्न राइटर के, और बी यहाँ पर एंशियंट राइटर के बारे में। द स्पाइडर स्पोक टू द बी, स्पाइडर बी से बोलती है इन कंटेम्पेटियस टोन में, बड़े गंभीर विचार विमर्श टोन में। पॉइंटिंग आउट दैट व्हाइल ही हिमसेल्फ आउट इन इम्प्रेसिव पैलेस नेमली इसको कोबेब, वो इस पर कहती है कि वह शुम इस पर इस जो प्रभावशाली महल है उसका अधिकार है, नेमली उस कोबेब यानी अपन कह सकते हैं जो मकड़ी का जाल है उस पर सबसे ज़्यादा उसका अधिकार है। द बी हैड नो प्रॉपर्टी, और बी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और सबस्टेंस एट ऑल एक्सेप्ट पेयर ऑफ विंग्स, किसी भी तत्व या प्रॉपर्टी पर उसका अधिकार नहीं है सिवाय पंखों के जोड़े के। एंड ए ड्रोन पाइप, जो रस चूसने वाला है ड्रोन पाइप से, इसके अलावा कोई भी उसका अधिकार नहीं है। द बी इन रिप्लाई सेड दैट हेवन हैड गिवन टू मी द पावर टू फ्लाई एंड पावर टू सिंग, बी में इसी रिप्लाई कर देते कि स्वर्ग में उसको बहुत सारा ताकत दी गई है उड़ने की और पावर टू सिंग गाना गाने की। एंड दैट ही विजिटेड ऑल द फ्लावर्स एंड ब्लॉसम ऑफ द फील्ड एंड द गार्डन, और वह कहीं पर भी जा सकती है, वह जाती है फ्लावर्स पर, ब्लॉसम ऑफ द फील्ड जो खेल में खिले हुए पेड़ पौधे में, वहाँ पर जाती है, गार्डन में जाती है। एंड गैदरिंग द रिक्वायर्ड मटेरियल्स फॉर यूज़, और वहाँ पर इकट्ठा करती है जो भी मटेरियल फॉर यूज़।
तो जो एंशियंट राइटर से तुलना की गई है, तो एलिग्रिकली जो क्वेश्चन आता है उसमें आप कर सकते हो इसका। द पी आल्सो एलिजेड, और बी ये भी आरोप लगाती है, देर स्पाइडर प्लेस वाइल एग्जिबिटिंग मेथड एंड आर्ट, जो जो स्पाइडर का मेल है वो एक प्रदर्शित है, वाइल एंड प्रदर्शित मेथड और जो मेथड और आर्ट का ही प्रदर्शित रूप है, वाज एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ ड्यूरेशन मैटर, और जिसमें कोई द्रव्य नहीं है, मैटर नहीं है, उन्हें समय है, उनसे बिना वंचित है, केवल प्रदर्शित का ही मेथड और आर्ट है, जिसमें रियलिटी कुछ भी नहीं है। द बी वांट ऑन टू से, बी उस पर और भी खेती है, दैट ऑल द अदर स्पाइडर प्रोड्यूस वाज पॉइजन व्हाइल द बी प्रोड्यूस हनी वैक्स, जबकि स्पाइडर जहर पैदा करती है जबकि बी हनी और वैक्स पैदा करती है। इसी प्रकार जो एंशिएंट राइटर है वो भी इसके बारे में, मैं इसके बारे में क्रिटिकल एक्ट्रेशन में आपके बारे में डिटेल से बताऊंगा, अभी समरी देख लीजिए। फिर बोलते हैं एसोप नाउ स्पीक एंड स्टेटेड दैट व्हाट एवर द बी हैड सेड इन फेवर हिमसेल्फ कुड बी अप्लाइड टू द एंशिएंट ऑथर्स। एसोप अब बोलता है और कहता है कि जो भी मधुमक्खी ने कहा उनके अपने स्वामी के पक्ष में कुड बी अप्लाइड टू द एंशिएंट ऑथर के रूप में अप्लाइड होता है, एंड दैट व्हाट एवर द बी हैड एलिजेड अगेंस्ट द स्पाइडर कुड बी अप्लाइड टू द मॉडर्न्स, और जो भी मधुमक्खी उसके बारे में आरोप लगाती है स्पाइडर के बारे में वो अप्लाई किया जा सकता है मॉडर्न के बारे में। अकॉर्डिंग टू एसोप के अनुसार द मॉडर्न हैव नो रियल ग्राउंड ऑफ बोस्टिंग ऑफ देयर जीनियस ऑफ देयर इन्वेंशन। एसोप के अनुसार मॉडर्न में कोई भी ऐसी वास्तविकता है नहीं है जो उनकी प्रतिभा पर शेकी मार सके, उनके जो आविष्कार है उस पर शेकी मार सके। बिकॉज इन्हें दे पजेज मेथड एंड स्किल, यद्यपि उनके पास पजेज मेथड भी है स्किल भी है, दे ओनली प्रोड्यूस वर्क, केवल वह वर्क ही पैदा करते हैं, केवल वर्क ही पैदा करते हैं विच विल सून बी फॉरगॉटन, जो कि बाद में भुलाए जाएंगे। तो इस तरह वो प्रोड्यूस ही वर्क कहते हैं, बाद में भुलाए जाए जाते हैं। बिकॉज द मटेरियल ऑफ विच दोज वर्क आर मेड हैव कम आउट, जो भी उनके द्वारा मटेरियल यूज किया जाता है मेड कम आउट ऑफ द ऑथर देमसेल्वेज आर देयर फॉर नो बेटर देन डेट, जो उनके द्वारा वो वर्क किया जाता है वर्क के द्वारा, आर देयर फॉर नो बेटर देन डेट, एक गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, डेट यानी गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है, डेट यानी गंदा सा। द मॉडर्न कैन नॉट क्लेम टू एनी जेन्युइन प्रोडक्शन रियल वैल्यू, तो जो मॉडर्न राइटर है वो किसी प्रकार के प्रोडक्शन पर दावा नहीं कर सकते। मच इन देयर वर्क कैन बी डिस्क्राइब एज ए मेयर रैंगलिंग एंड सेटायर विच मे बी कम्पेयर टू द स्पाइडर पॉइजन, जो उनका वर्क है वो केवल एक चिक रेंगलिंग चिक चिक और सेटायर है, जो भी तुलना की गई है स्पाइडर पॉइजन से। एज फॉर द एंशियंट के अनुसार दे हैव देयर इमेजिनेटिव फ्लाइट, जो एंशियंट के में है जैसा कि उनमें इमेजिनेटिंग काल्पनिक शक्ति है फ्लाइट, एंड देयर लैंग्वेज और उनकी भाषा भी है। द एंशियंट कलेक्टेड देयर मटेरियल फॉर एवरी कॉर्नर ऑफ नेचर, जो एंशियंट है वो जो दत्व है प्रतिभा तकनीकी है वो प्रत्येक प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो दर्व प्रत्येक प्रकृति से प्राप्त करते हैं। दे है प्रोड्यूस वर्क फुल ऑफ हनी एंड वैक्स, और वह वर्क फुल ऑफ हनी वैक्स पैदा करते हैं। विच हैव कंट्रीब्यूट टू मैनकाइंड टू ऑफ द नोबलेस्ट थिंग, जो उनको जो मानवताओं के लिए एक उच्चतम प्रदान करते हैं, टू ऑफ द नोबलेस्ट थिंग प्रदान करते हैं हनी और वैक्स, जो मानवता को प्रदान करती है। विच आर स्वीटनेस और लाइट, और जिनमें मीठापन है और प्रकाश है। तो इस प्रकार जो एलिग्रिकली टर्म्स है, एलिग्रिकली बी और स्पाइडर का आपके क्वेश्चन पूछ जाता है सिम्बोलिक के एलिग्रिकल का बैटल ऑफ द बुक्स में, बताइए। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है ओपन महावीर में, और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है 200 वर्ड्स में। फिर अपने आगे चलते हैं। शिव देन गोज ऑन टू मैंशन द बुक विच टुक पार्ट इन द बैटल, शिव फिर बताता है आगे मैंशन करता है उस बुक के बारे में जो उस बैटल में भाग लेती है। कौन कौन सी बुक्स है, हाउ वी आर इंस्टेड ऑफ नेमिंग द बुक्स बाय देयर टाइटल, उनका नाम उनका टाइटल नहीं देकर, उनका बुक्स का नाम नहीं देकर टाइटल बताता है, टाइटल का नाम नहीं देता। ही नेम्स द ऑथर ऑफ द बुक्स, वह ऑथर की बुकों के जो लेखक है उनके बारे में बताता है। विच टू पार्ट इन द फाइट, जो लड़ाई में भाग लेते हैं, मतलब इनका एक तरह से सेटायर है। वेन द टू आर्मीज ऑफ द वॉरियर हैड दस गोट रेडी फॉर द बैटल,
और जो टू आर्मीज इसमें भरी है वो भाग लेती है, तैयार होती है बैटल के लिए। फेम हु एट वन पॉइंट एट इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द लाइब्रेरी, वो फेम को प्राप्त करने के लिए दोनों आर्मी लड़ाई करती है, जो वो लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण पद है पोजिशन है उसको प्राप्त करने के लिए, यानी प्रसिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ाई करती है। फ्ल्यू स्ट्रेट टू द चीफ गॉड, वे उड़ती है दोनों आर्मी चीफ गॉड के, जो चीफ गॉड कौन है, जुपिटर के पास जाती है। एंड गेम ए फेथफुल अकाउंट ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग बिलो इन द अर्थ, और एक महत्वपूर्ण विश्वसनीय विवरण देती है जहाँ पर पृथ्वी पर नीचे गठित हो रहा है उसका विश्वसनीय विवरण देती है दोनों सेनाएं। जुपिटर इमिडिएटली कॉल ए मीटिंग ऑफ द गॉड एंड गॉडेस इन ऑर्डर टू डिसाइड अपॉन ए कोर्स ऑफ एक्शन, जुपिटर तुरंत एक मीटिंग बुलाता है गॉड देवी देवताओं की कि वो डिसाइड कर सके कि इस कार्य का क्या प्रारूप है, कोर्स के बारे में, एक्शन के बारे में कर सके डिसाइड। हाउ यू आर देयर बींग ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एमंग द गॉड एंड गॉडेस, हालांकि हाउ यू आर बींग ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन के बारे में जो अंतर करने के नाते गॉड और गॉडेस और जुपिटर प्राइवेटली कंसल्ट द बुक ऑफ फेट, जुपिटर वो कंसल्ट करता है, विचार विमर्श करता है जो भाग्य की किताब है उस पर कंसल्ट करता है। एंड गेव अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स टू इज एजेंट टू गो डाउन टू द लाइब्रेरी, और एक उपयुक्त ऑर्डर देता है एजेंट को कि लाइब्रेरी में आप जाओ। एंड मैन्युपुलेट यानी षड्यंत्र करो इवेंट इन अकॉर्डेंस विद दोज ऑर्डर्स, और उन ऑर्डर के अनुसार ही एक षड्यंत्र करो, मैन्युपुलेट करो अपने अनुसार, जैसा उसके अनुसार बताया गया उसके अनुसार उस घटना का वर्णन करो। ठीक है, तो ये जुपिटर के बाद दोनों सेना जाती है, फिर एक मीटिंग करता है और भाग्य की देवी से कन्वर्स करता है, फिर उसको एजेंट को भेजता है और अपने अनुसार उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है उस इवेंट को। मोमस द गॉड ऑफ जीलियस मॉकरी, और जीलियस जो मोमस है जो देव भगवान है, जीलियस यानी हास्य का जो जीलियस है, ईशालु हास्य का जो देवता है मोमस, हु एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ हिज गॉड एंड गॉडेस, जो भी मीटिंग में था गॉड देवी देवताओं की मीटिंग में था, है टेकन द साइड ऑफ द मॉडर्न, और मॉडर्न की तरफ पक्ष लेता है। नाउ इनलिस्टेड द सपोर्ट ऑफ गॉडेज नोन एज किटिज्म, और वह उस लिस्ट में शामिल हो जाता है जो गॉडेज देवियों की लिस्ट में जाता है जो किटिसिज्म के बारे में जानती है, किटिसिज्म के बारे में जानती है उनकी, उनमें वह शामिल हो जाता है। दीज गॉडेज वर वेली मैग्नेट, यानी विदेशी मतलब देशपूर्ण था वो देवी, बहुत ही देशपूर्ण थी। एंड सी लेंट हर फुल सपोर्ट टू द मॉडर्न, और मॉडर्न पर पूरा सपोर्ट वो करती है, अनुमति देती है, फुल सपोर्ट उनको देती है। फिर चलते हैं, स्विफ्ट देन गोज टू डिस्क्राइब द बैटल शिप, और स्विफ्ट उसका विनन का अपने उसका उस युद्ध का वर्णन अपने आप करता है स्विफ्ट। इट टेल्स अस दैट द फर्स्ट टू स्टार्ट द ऑफेंसिव वाज ए पार्सिलियस, सबसे पहले बताता है जो फर्स्ट टू स्टार्ट जो ऑफेंसिव जो अपराध कार्य किया था वाज पार्सिलियस हु अटैक गैलियन, उसने गैलियन पर अटैक किया था विद जेवलियन, जेवलियन होता भाले से अटैक किया था। बट वाज हिमसेल्फ वाउंडेड बाय गैलियन एनकाउंटर अटैक, लेकिन वह शम्स घायल गैलियन काउंटर से घायल हो जाता है। देन एरिस्टोटल यानी अरस्तु शॉट एन एरो एट बेकन, और अरस्तु क्या करता है बेकन पर एक एरो से तीर मारता है, एरो मतलब एक धनुष छोड़ता है मतलब तीर छोड़ता है। बट बेकन एफसेट बींग इंजर्ड एंड नेरो हिट एंड किल अनदर मॉडर्न फिलोसोफर हुज नेम वाज डेस्कार्ट्स, लेकिन बेकन उसे बच जाता है, बींग ऐसे घायल होने से बच जाता है। एंड द एरो हिट, और एरो हिट करती है उसको एंड किल अनदर मॉडर्न फिलोसोफर, और दूसरे जो मॉडर्न फिलोसोफर है जिसका डेस्कार्ट है वो मारा जाता है। नाउ इट वॉज होमर टर्न, अब होमर की बारी थी, वो लॉन्च करता है एक अटैक अपॉन द मॉडर्न एपिक पोइट, जो महाकाव्य आधुनिक महाकाव्य के पोइट है उन पर अटैक करता है। नेक्स्ट केम वर्जिल अनदर एंशियंट एपिक पोइट, जो दूसरा है वर्जिल दूसरा एपिक पोइट है, ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद द मॉडर्न पोइट, वो भी अपने आप को फेस टू सामने वो जो आधुनिक कवि है ड्राइडन उसके सामने पाता है। हु आल्सो अटेम्प्ट एपिक पोएट्री, वो भी कोशिश करता है एपिक पोएट्री बनाने की बाय राइटिंग ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनियाड, एनियाड का ट्रांसलेट करके वो भी एपिक बनाने की कोशिश करता है, उस पर भी वो अटैक करता है। मतलब एक जो जो वास्तविक रूप से एक सेटायर किया गया है मॉडर्न और एंशियंट राइटर पर से। ड्राइडन व हावियर एक्नोलेज वर्जिल सुप्रियरिटी टू हिमसेल्फ एज एन एंशियंट पोइट, ड्राइडन आखिरकार वह भी स्वीकार कर लेता है कि वर्जिल सुप्रियर है, एक एपिक पोइट का अपने आप में सुप्रियर है। एंड सॉर्ट ए कम्प्रोमाइज विद द एनिमी, और उससे समझौता कर लेता है
तलाशता है, शॉर्ट हैंड तलाशता है, कॉम्प्राइज दुश्मन रूसी समझौता तलाशता है, और इस प्रकार वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ पर हम देख देखिए समरी का, येट अनदर एंशियंट एपिक पोएट, दूसरा एंशियंट एपिक पोएट है बाय द नेम लुकान, लुकान नाउ अटैक टू मॉडर्न्स, जो अटैक करता है दो मॉडर्न आदमी के ऊपर, हु आज आल्सो अटेम्प्ट द एपिक पोएट्री, जो अटेम्प्ट करते हैं एपिक पोएट्री का निर्माण करने का प्रयास करते हैं उन पर भी अटैक करता है। दीज मॉडर्न वर रिचर्ड ब्लैकमोर, वो कौन एपिक मॉडर्न राइटर, रिचर्ड ब्लैकमोर, थॉमस क्रीज, देन द एंशियंट पॉइंट पिंडार, द फेमस राइटर ऑफ पॉइंट, जो फेमस राइटर जो ओड का लेखक है पिंडार, एंशियंट राइटर, कैम फॉरवर्ड आगे आता है एंड किल सच मॉडर्न राइटर्स ऑफ पिंडारिक ओड एज ए जॉन ओल्डम एंड अफ्राबेम एंड अब्राहम कोयली, और उनको मार डालता है जो आधुनिक कवि है पिंडारिक ओड से जो लिखते हैं उन्हीं की तरह, जो जॉन ओल्डम, अफ्राबेन और अब्राहम कोयली को मार देता है। द कम्स द लास्ट एपिसोड इन द बैटल ऑफ द बुक, और ये लास्ट फिर अपन आते हैं लास्ट एपिसोड बैटल ऑफ द बुक्स, द सेंट्रल फिगर इन दिस लास्ट एपिसोड आर बेंटले वॉटन, और जिसका मुख्य फिगर इस एपिसोड के लास्ट एपिसोड को बेंटले और वॉटन है, जो चैंपियन है मॉडर्न राइटर के चैंपियन है। एंड टेम्पन एंड बोयले, टेम्पन वर्ल्ड क्या है, द चैंपियन ऑफ द एंशियंट, जो टेम्पल और बोयल है वो चैंपियन एंशियंट है। इन पर लास्ट में आते हैं, शिप पोर्स ऑल इज स्कॉन एंड रेडिकूल अपॉन बेंटले वॉटन, और शिप अपना जो घृणा है उपवास है वो बेंटले वॉटन पर करता है। दीज मॉडर्न सी फेलेरियस एंड एसोप लाइंग फास्ट स्लीप इन द स्टेट, ये मॉडर्न फेलेरिस और एसोप को देखते हैं कि वो आराम से नींद में लेटे हुए हैं कुछ दूरी पर, बट दे डो नॉट हैव द करेज टू अटैक देम, लेकिन उन दोनों में आधुनिक लेखकों में सांस नहीं होता कि उन पर अटैक कर सके फेलेरिस और एसोप पर। वॉटन हैव इवन फेल्स इन हिज अटेम्प्ट टू क्वेंच हिज थर्स्ट, और वॉटन फेल हो जाता है अटेम्प्ट यानी अपनी प्यास बुझाने में एट द स्प्रिंग नोन एज हेलिकॉन, जो झरने से, जो हेलिकॉन से नाम से जाना जाता है, उस झरने से अपनी प्यास बुझाने में असमर्थ हो जाता है। द टू फ्रेंड्स देन एनकाउंटर चार्ल्स बोयले, ये दोनों दोस्त एनकाउंटर सामना करते हैं चार्ल्स बोयल का, वो अटैक देम विद ए लांस, एक भाले से वह चार्ल्स बोयल उनको एक भाले से आक्रमण करता है, एंड किल बोथ ऑफ देम एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में दोनों को मार देता है। अकॉर्डिंग टू स्विफ्ट सेटायरिक अकाउंट, स्विफ्ट सेटायरिक के अनुसार देन टेम्पन बोयल हैड बीन विक्टोरियस इन देयर सपोर्ट ऑफ द एंशियंट एज अगेंस्ट बेंटले एंड वॉटन, और इस प्रकार टेम्पल बोयले की जीत हो जाती है इस एंशियंट को सपोर्ट करते हुए अगेंस्ट बेंटले वॉटन के लिए, हु हैड अपोज द एंशियंट, जो उन्होंने विरोध किया था बेंटले ने एंशियंट का, एंड गेन ऑल देयर सपोर्ट द मॉडर्न, और मॉडर्न का जो सपोर्ट किया था। इस प्रकार ये समरी आपको समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब आगे आपके क्वेश्चन आंसर जो भी इंपोर्टेंट है वो आपको ट्रांसलेट किए जाएंगे।